अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे फ़िश फ्राई राइस। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास 360 ग्राम फ्रोज़न फ़िश है, जो काट फिली, जो बोनलेस है। इसके लिए मुझे चाहिए 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, क्वार्टर टीस्पून लहसुन पाउडर, पिंच ऑफ अदरक पाउडर, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर, 1/2 टीस्पून अनियन पाउडर, 1/4 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 अंडा फेंटा हुआ। ये सब डाल के आपने अच्छी तरीके से हाथों की मदद से इसे मैरिनेट करना है और आधे घंटे के लिए क्लीन फिल करके इसे फ्रिज में रख देना। नाज़रीन, अब हम तेल गरम करने के लिए रख रहे हैं। हमारी फ़िश को आधा घंटा हो चुका है, हमने फ़िश तलनी है। अभी हमने तेल को हाई फ्लेम में रखना है। जब हमारा तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाए, फिर हमने फ़िश के पीसेस डालने हैं। चेक करते हैं। जब तक पीसीज हिले ना, आपने से टर्न ओवर नहीं करना। जब हमारे पीसीज सुनहरी हो जाएं तो हमने निकाल लेने हैं। पीसीज अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकालते हैं। ये देखें कलर। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल डालेंगे, ऑलिव ऑयल। तेल गर्म होने पर 100 ग्राम गाजरें जुलियन कट कर लेनी है आपने। थोड़ा फ्राई करें इसे। आपने ज़्यादा गलानी नहीं रखनी, थोड़ी क्रंची रखनी है। गाजरें हमारी फ्राई हो चुकी हैं। 100 ग्राम हरा प्याज, थोड़ा सा सोते करना इसे। एक टेबलस्पून हमें और तेल चाहिए प्याज फ्राई करने के लिए। थोड़े क्रंची रखने हैं। अब आपने 100 ग्राम शिमला मिर्च जुलियन कर, मिक्स कर लें सबको, सब वेजिटेबल को। पिंच अदरक पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। अच्छी तरह मिक्स करें। हाफ टी स्पून नमक। नमक आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमने सोया सॉस भी डालना है। एक टेबलस्पून तेल, 1 अंडा मैंने फेंट कर रखा हुआ था, जिसे हमने थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है।
अंडा अब आपने वेजिटेबल में मिक्स कर लेना। फिश डालें जो हमने तली रखी थी। मैंने 300 ग्राम चावल बॉईल किए थे, कच्चे 300 ग्राम मैंने लिए थे, बॉईल किए थे। इस स्टेज पे आपने 100 ग्राम बंद गोभी डालनी है। बंद गोभी की आपको क्रंच अच्छी आएगी। आप चाहें तो बंद गोभी पहले भी डाल सकते हैं, और जितने ये मसाले मैंने डाले हैं आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने अपनी टेस्ट के मुताबिक डाले हैं। एक टेबल स्पून सोया सॉस, राइस विनेगर एक टेबल स्पून, एक ही टेबल स्पून आपने ऑलिव ऑयल डालना ऊपर से चावलों को शाइन देने के लिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नाज़रीन आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। आप मेरी रेसिपी ये ज़रूर ट्राई करें। अगर आप लाइक करें तो ये मेरी रेसिपी ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। वाह वेरी नाइस। तीन लोग तो आसानी से खा सकते हैं। इंशाल्लाह आप ज़रूर लाइक करेंगे मेरी इस रेसिपी को भी, और इन्जॉय करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।